हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटीआई एजुकेशन। जैसा कि गाइस आप सभी को पता होगा, बार की ओर से आईटीआई होल्डर्स के लिए रिक्रूटमेंट आ चुकी है टेक्नीशियन के पद पे, या बोल लीजिए स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के पद पे। यहां पे 2109 पदों पे रिक्रूटमेंट आया हुआ है, जिसका अप्लाई फॉर्म लिंक आज से स्टार्ट हो गया है। इस वीडियो में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे फॉर्म भरना है, कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आप लोग सभी को सारा डिटेल बताऊंगा, कैसे फोटो अपलोड करना है, मार्क्स डिटेल में क्या डालना है, सारा डिटेल बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा आप सभी को। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस बता दूंगा, कोई भी फॉर्म आप लोग का दिक्कत नहीं होगा। तो आप सभी फॉर्म अप्लाई करने के लिए www.itieducation.com वेबसाइट विजिट कर लीजिए गाइस। यहाँ पे आईटीआई सरकारी नौकरी का सेक्शन बना हुआ है, यहाँ से आप सभी देख सकते हैं बार की रिक्रूटमेंट 2023। इस पर क्लिक करके आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और यहाँ से अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले बात गाइस कि आप सभी जब क्रोम एप्लीकेशन से अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे लिखेगा लैपटॉप या पीसी लिखेगा, यानी कि अप्लाई करने के लिए वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है उस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को पीसी या मतलब कि लैपटॉप यूज करने के लिए बोलेगा, वो मोबाइल से नहीं हो रहा है। तो उसके लिए एक एप्लीकेशन आता है, गूगल प्ले स्टोर में सर्च कर लीजिएगा पुफिन एप्लीकेशन। पुफिन एप्लीकेशन से आप लोग मोबाइल से भी फॉर्म भर पाएंगे। तो आप लोग पुफिन एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, क्रोम से फॉर्म नहीं भरा पाएगा। वहाँ पर लिख दे रहा है कि लैपटॉप या पीसी यूज करने के लिए, तो पुफिन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, आप मोबाइल से अप्लाई कर पाएंगे। अब चलिए मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो गाइस ये है ऑफिशियल वेबसाइट जो बार्क ऑनलाइन exam.com के नाम से बनाया गया है। यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और ये 10 बजे से ही इसका लिंक एक्टिवेट हो गया है ऑनलाइन आवेदन करने का। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए ये कितने स्टेज में अप्लाई होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेजेस ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस में पहले तो आप लोग को OTR करना होगा, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहला प्रोसेस ये होगा। दूसरा आप लोग को इमेज अपलोड करना होगा। तीसरा में सेकेंडरी रजिस्ट्रेशन, इसमें कुछ डिटेल डालना पड़ता है, आप लोग का कौन सा ट्रेड से ITI किए हैं, 10वीं कब पास किए हैं, कितना मार्क्स है 10वीं में, ITI में कितना है। उसके बाद आप लोग फीस पेमेंट करेंगे यहाँ पे, देन आप लोग प्रिंट करेंगे। तो इतना स्टेप में आप लोग को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं OTR। उसके बाद यहाँ पे लॉग इन है, इसके बाद फॉरगेट पासवर्ड है। तो सबसे पहले आप लोग को किस पे क्लिक करना होगा, इस वाले पे क्लिक करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो OTR पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप सभी, इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा गाइज। यहाँ पे आप लोगों को टाइम दिखेगा, यानी कि इतना मिनट में आप लोगों को फॉर्म डिटेल भर लेना है। सेशन क्लोज इन 19:53, यानी कि 20 मिनट का आप लोगों को समय मिलेगा, 20 मिनट के अंदर में ही आप लोगों को भरना है, नहीं तो ये आप लोग का एक्सपायर हो जाएगा। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे आप लोगों को प्राइमरी डिटेल में क्या भरना है, तो यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेंट नेम, यानी कि आप लोग का जो 10वीं में मार्क्सिट में जो आप लोग का नेम मेंशन है सर्टिफिकेट, वो नेम मेंशन कर लीजिएगा। फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम डालिएगा, मिडिल नेम डालिएगा, यहाँ पे लास्ट नेम डालिएगा यानी कि सर नेम। यहाँ पे मदर्स नेम डालना है, यहाँ पे मदर्स नेम डालना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। यहाँ पे नेशनलिटी सिलेक्ट कर लीजिएगा इंडियन, यहाँ पे जेंडर आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, यानी कि सिंगल है या मैरिड है, यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर में मेल या फीमेल है ये सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे कैटेगरी है, किस कैटेगरी से आते हैं ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे स्टेट ऑफ डोमिसाइल, यानी किस राज्य के निवासी है। इतना चीज सिलेक्ट करने के बाद आप लोग नीचे बढ़ेंगे तो नीचे में आप लोग को दिखेगा कम्युनिकेशन का डिटेल भरना है, यानी कि परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो यहाँ पे एड्रेस भर लीजिएगा, यहाँ पे एड्रेस लाइन में यहाँ पे आप लोग भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिटी और विलेज में डाल दीजिएगा, जो आप लोग का विलेज हो, सिटी हो, डिस्ट्रिक्ट नाम सेलेक्ट कर डाल दीजिएगा। उसके बाद स्टेट की राज्य के निवासी, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। पिन कोड डाल लीजिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे कन्फर्म मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है। दो दो बार डालना है, यहाँ पे दोनों बार कन्फर्म करना है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डालना है, ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है, आधार नंबर मैंडेटरी, आधार नंबर डालना ही डालना है। उसके बाद अगर आप लोग का परमानेंट एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के समान है तो इस वाले पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये ऑलरेडी फिल हो जाएगा। तो ये आप लोग का हो जाएगा कम्युनिकेशन डिटेल। उसके बाद यहाँ पे मेन चीज ये है, आप लोग को लॉग इन और पासवर्ड आप लोग को खुद से बनाना होगा। तो लॉग इन आईडी में आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है कि मिनिमम 6 कैरेक्टर का रहना चाहिए और इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगेगा इसमें, जैसे कि हैशटैग या डॉलर वगैरह ये सब इसमें नहीं लगा पाएंगे लॉगिन आईडी में। तो मिनिमम यहाँ पे 6 मतलब कि अंक का रहना चाहिए और मैक्सिमम 15 अंक का रहना चाहिए और एक अल्फाबेट और एक न्यूमेरिक रहना चाहिए। जैसे कि कोई अगर एच लिखे हैं तो कुछ इसमें 7 लगा दीजिए या 5 लगा दीजिए, ऐसे करके बनाना है, एक कैपिटल एक स्मॉल कर दीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे चेक कीजिएगा तो आप लोगों को दिखा देगा कि अगर ये है तो बन जाएगा, अगर नहीं है तो दूसरा आप लोग को लॉगिन आईडी बनाना होगा। उसी तरीके से लॉगिन आईडी बना
लीजिएगा तो यहाँ पे एक बार फिर से लिख दीजिएगा। यहाँ पे पासवर्ड में बनाइएगा तो पासवर्ड में आप लोग का स्पेशल कैरेक्टर लग जाएगा, यानी कि स्पेशल कैरेक्टर मतलब हैशटैग या @ यह सभी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड खुद से क्रिएट करना होगा। ये दोनों चीज़ कर लेने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड फिल कीजिएगा। जैसे ही कैप्चा कोड आप लोग यहाँ पे फिल कर लीजिएगा उसके बाद आप सभी OTR प्रीव्यू पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा OTR प्रीव्यू, OTR प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद OTR फाइनल सबमिशन कर लीजिएगा। प्रीव्यू होने के बाद तो आप लोग का जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी का नाम मेंशन लिख देगा, यहाँ पे लिख देगा यू हैव कंप्लीटेड वन टाइम रजिस्ट्रेशन बार्क ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोस, काइंडली लॉग इन विथ योर रजिस्ट्रेशन रजिस्टर लॉग इन आईडी पासवर्ड, यानी कि जो अपना उसके बाद आप लोग को लॉग इन करना होगा। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा क्लिक हियर टू लॉग इन तो आप लोग का डिटेल खुलेगा। इस तरीके से डिटेल खुलेगा तो आप सभी ने जो अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाए होंगे वो डाल करके कैप्चा कोड डाल करके आप सभी यहां पे लॉगिन कर लीजिएगा। तो लॉगिन होने के बाद आप सभी का इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा, इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप सभी को पहले OTP एक आया होगा, जो आप लोग लॉगिन करने के बाद OTP एक आया होगा, OTP आप लोग के मेल और SMS दोनों पे आया होगा। तो यहाँ पे OTP डाल करके आप लोग वेरीफाई कर लेंगे। OTP वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे आप सभी को आप लोग का फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे लगेगा। तो फोटोग्राफ गाइस आप सभी का कितना के बीच में रहना चाहिए, साइज इसका 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। एक फोटो रिसाइजर करके एप्लीकेशन आता है, उससे अपना फोटो का साइज घटा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से फोटो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा। फोटो सिलेक्ट होने के बाद फाइल से यहाँ पे अपलोड वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे सिग्नेचर आप लोग का 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। यहाँ पे चूज करके आप लोग फाइल अपना फाइल मैनेजर से उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। तो ये दोनों हो जाने के बाद यहाँ पे टिक करके कैप्चा कोड डाल करके आप लोग नेक्स्ट कर लीजिएगा। तो जैसे ही नेक्स्ट कीजिएगा आप सभी का फोटो और सिग्नेचर जो है वो सबमिट हो जाएगा। फोटो और सिग्नेचर सबमिट होने के बाद आप सभी का होम पेज दिख जाएगा और यहाँ पे आप सभी का नेम मेंशन रहेगा और यहाँ पे आप सभी का लॉगिन आईडी रहेगा और हर सेशन में आप लोग को 20 मिनट का समय दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी पोस्ट का यहाँ पे मेंशन रहेगा, यानी कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे यहाँ पे आप सभी का दिख जाएगा। यहाँ पे सीरियल नंबर है, पोस्ट कोड है, पोस्ट नेम है, एक्शन है, स्टेटस है और रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहेंगे वहाँ पे अप्लाई वाले पे क्लिक करेंगे तो हम अप्लाई करना चाहेंगे स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग पोस्ट के लिए। मान लेते हैं मेरा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है तो हम स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल नंबर 38 पे है, यहाँ पे अप्लाई। तो अप्लाई पे बटन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप सभी के सामने में इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पे आप सभी का एप्लीकेंट नेम मेंशन है, यहाँ पे लॉगिन आईडी है। तो यहाँ पे कुछ कुछ डिटेल ऑलरेडी फिल रहेगा जैसे फोटो वगैरह। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, ट्रेड सिलेक्ट करना होगा। तो ट्रेड सिलेक्ट करने में इस तरीके से आप लोगों को 4 ऑप्शन दिखेगा। देखिए इस तरीके से आप लोग को 4 ऑप्शन दिखेगा, NTC ITI 2 ईयर, NSE 2 ईयर, NTC ITI 1 ईयर और NSE 1 ईयर, या NTC ITI 1 ईयर या एक्सपीरियंस 1 ईयर। तो मेरा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो मैं इसमें सेलेक्ट करूंगा NTC ITI 2 ईयर, यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट फिटर है तो इसमें भी आप लोग यही सिलेक्ट कीजिएगा। ये जो है NSE ये अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, तो मेरा ITI है तो इस पर चूज करेंगे NTC पे। तो मैंने यहाँ पे चूज कर लूँगा ट्रेड सर्टिफिकेट में ये। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का ये है कि आर यू फ्रॉम PWD, क्या आप विकलांग संबंधित ये प्रश्न पूछा जा रहा है तो यहाँ पे मैंने नो करूँगा। क्या आप प्रेजेंट इम्प्लाई है तो इसमें मैं नो करूँगा। तो जो दोनों में नो करने के बाद यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल में आप लोग को डिटेल भरना है। तो यहाँ पे डिटेल भरना है तो देखिए यहाँ पे दो डिटेल आप लोग को भरना होगा, एक तो दसवीं का और यहाँ पे आप लोग का ITI का भरना होगा। तो गाइज यहाँ पे दसवीं में आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे सिलेक्ट ऑलरेडी रहेगा साइंस और मैथ यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोग का जो भी स्कूल का नाम है या बोर्ड का नेम है ये यहाँ पे लिख दीजिएगा, और कितना नंबर का होता है पेपर मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि आपका कितना मैक्सिमम मार्क्स है वो लिखिएगा यहाँ पे, और कितना आपको मार्क्स आया वो लिखिएगा। और इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप लोग का परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा और इसमें कुछ नहीं रहेगा, ये ब्लैंक ही रहेगा। और यहाँ पे मंथ और ईयर ऑफ पासिंग इसमें सिलेक्ट करना रहेगा, वो सिलेक्ट कीजिएगा आप लोग का सिलेक्ट हो जाएगा। सेकेंड वाले पे यहाँ पे आप लोग का ITI रहेगा, यानी ITI यहाँ पे रहेगा, और जिस ट्रेड से फॉर्म फिलअप कर लेंगे ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा। और यहाँ पे ITI का जो आप कौन सा ITI कॉलेज से किए हैं या कॉलेज का नाम भी लिख सकते हैं या कौन सा बोर्ड से है वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे ITI में कितना मैक्सिमम मार्क्स है, कितना नंबर का हुआ था वो, और आपको कितना आया, उसके बाद परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। और यहाँ पे दो यहाँ पे ड्यूरेशन हो जाएगा आप लोग का, कितने साल का ITI है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ईयर मंथ और ईयर पासिंग इसमें आप लोग का सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा इतना चीज डिटेल।
उसके बाद गाइज यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम सिटी चूज करना होगा, यानी कि एग्जाम सेंटर आप कहाँ पे बनाना चाहते हैं। तो तीन प्रेफरेंस मिलेगा, यानी कि तीन जगह सिटी को चूज करना होगा, प्रेफरेंस 1, 2, 3। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू पे आप लोगों का सारा डिटेल शो हो जाएगा। प्रीव्यू देखने के बाद आप सभी क्या करेंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट होने के बाद आप लोग का इस तरीके से दिखेगा, फाइनल सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी का नेम आंसर रहेगा, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर और लिख देगा योर एप्लीकेशन नंबर इतना, यानी कि ये आप लोग का एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्लिक हेयर टू होम, होम पे आ जाइएगा, ऐसे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू होम पे। तो गाइज होम पे जैसे ही आएंगे तो आप लोग का यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करे होंगे, तो मैंने इलेक्ट्रिशियन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर लिख जाएगा और यहाँ पे दिखेगा पेंडिंग फी पेमेंट। तो मेरा ओबीसी कैटेगरी में मैंने अप्लाई किया हूँ, तो यहाँ पे फी पेमेंट पे क्लिक करना होगा। तो फी पेमेंट यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 100 रुपया लग रहा है, तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो फीस पेमेंट होने के बाद तुरंत ही फीस ये अपडेट हो जाता है। उसके बाद जैसे ही लॉग इन करेंगे इस तरीके से पेज खुलेगा, यहाँ पे लिख देगा कंप्लीटेड, यानी कि उस समय पेंडिंग लिख रहा था, अब मेरा कंप्लीट हो गया फीस पेमेंट करने के बाद। तो यहाँ से आप सभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है गाइज, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। आप सभी पुफिन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, अगर आप लोग के पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो उससे भी अप्लाई कर सकते हैं गाइज। तो इस तरीके से आप लोग का प्रोसेस है, आप लोग इसी तरीके से अप्लाई कर दीजिएगा।